कारण तो सिर्फ पैसे थे मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि जो ब्रजेश हैं उनका किसी से ना तो लड़ाई है ना तो झगड़ा है ना कोई ऐसा व्यवहार है। और इस प्रकार की घटना जो हुई है अपने क्षेत्र में, ये पहली अपने आप में एक पहली घटना है जो बड़ी दर्दनाक है, विभत्स है। और इसमें जो भी है अपराधी उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए और मिलेगा। हमारी सरकार ये तय करेगी कि उनको मृत्युदंड मिले, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटना करने के पहले 100 बार सोचे। जानकारी यही हुई कि 2 बच्चों का अपहरण करके पैसे भी ले लिए और मार अलग से दिए। हाँ, पुलिस की इसमें जो है नाकामी है। कई दिन हो गया था, अगर पुलिस समय रहते, जैसे चाहे उत्तर प्रदेश से हो या मध्य प्रदेश, दोनों पुलिस अगर एक्टिव होके और संवेदनशीलता से काम करते तो निश्चित तौर पे बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। वैसे अपराधियों को तो मेरे हिसाब से संविधान तो अलग कहता है, लेकिन मेरी अपनी खुद की, मैं ये पार्टी लेवल पे नहीं पर्सनली सोच बता रहा हूँ, पब्लिकली खड़े करके सीधे जो है इनका या और कोई चारा नहीं, सीधे मार दे तो ये घटनाएं बंद हो जाएगी। डर पैदा करना चाहिए क्रिमिनल को। घटनाएं ये बता रही हैं कि आज देश और प्रदेश में कानून नाम की चीज़ नहीं है। दो दो प्रांतों की पुलिस लगकर भी उन बच्चों को सकुशल वापस नहीं करा पाई, ये बहुत शर्मनाक बात है। जानकारी को फिरौती लेने के बाद उनको नदी में डुबो कर मार दिया गया उन बच्चों को, और आम जनता में रोष है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आरोपी संभवतः जानकारी मिली गिरफ्तार हो गए। पीड़ित परिवार को तत्काल न्याय मिले, हम लोग यही मांग करते हैं कि परिवार को न्याय मिले और जो आरोपी हैं उनको तत्काल फांसी पर लटकाया जाए, हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से और शासन से। घटना भले ही चित्रकूट के मध्य प्रदेश क्षेत्र की हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, यहाँ तक कि एसटीएफ पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 12 फरवरी की ये घटना है और घटना के बाद इतने दिनों तक केवल पुलिस हवा में तीर चलाती रही, कई लोगों को उठाया भी गया, लेकिन पुलिस को ये जानकारी नहीं मिल सकी कि आखिर ये बच्चे कहाँ हैं। बड़ी बात ये है कि इतने दिनों में बांदा और चित्रकूट में ही जो अपराधी थे जिन्होंने बच्चे का अपहरण किया था, वो बांदा चित्रकूट बच्चों को घुमाते रहे, पुलिस को भनक तक नहीं लगी और देर रात उनके शव बांदा के मरका थाना क्षेत्र के यमुना नदी के घाट से बरामद हुए हैं। इस समय पोस्टमार्टम हाउस में तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, कई संगठनों के लोग हैं, वो मौजूद हैं और लोगों का यही कहना है कि जो ये घटना है ये बहुत ही दुखद घटना है और ऐसे नरपिशाचों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बांदा से अनंत तिवारी।